हेलो एवरीवन आज हम बनाने वाले हैं बेबी शावर वाला केक तो ये हमारा थीम केक रहेगा तो इसमें हम फोंडेंट का भी यूज़ करने वाले हैं सेमी फोंडेंट में रहेगा जो ऊपर वाला पूरा जो डिज़ाइनिंग रहेगी डेकोरेशन वो पूरा फोंडेंट का रहेगा तो टॉपर कैसे बनाने के है बेबी के जो शूज़ रहता है वो कैसे बनाने का देन जो स्टार स्टार बनाते हैं हम वो कैसे वहाँ पर करने के तो ये पूरे डिटेल्स में मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए तो ये आज का केक है हमारा वन एंड हाफ के जी का मतलब डेढ़ डेढ़ किलो का है पूरा तो इसके लिए मैंने टेन इंच के टिन में यहाँ पे केक को अच्छे से यहाँ पे बेक करके लिया है तो यहाँ पे कितना लेना है आपको पता नहीं है डेढ़ किलो के लिए तो मैंने पहले वाले वीडियो में वहाँ पे मैंने दिखाया है एक्चुअली मैं इसी वीडियो में बताने वाली थी लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया तो यहाँ पे मैंने जो केक है हमारा उसे थ्री पार्ट्स में यहाँ पर कट किया है और अब हम पहले फास्ट केक की के आइसिंग करेंगे देन हम मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगी कि फोंडन के जो टॉपर्स है वो कैसे बनाने के तो यहाँ पे मैं केक को जो बेस है उसे अच्छे से वाटर से सोक कर रही हूँ और ये है रहेगा हमारा आज का बटर स्कॉच केक तो मैं बटर स्कॉच केक जो भी क्रश है मेरे वो मालास के यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर मैंने जो मालास का क्रश है वो पूरे मेरे बेस पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ तो ऐसे करने से क्या होता है केक में एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है जैसे कि बटर स्कॉच की पूरा फ्लेवर उसमें जाएगा तो इसीलिए मैं ब्रेड जो भी हमारा बेस है उसे ही यहाँ पे क्रश लगाती हूँ उस पर उसके बाद मैंने डाली यहाँ पे वाइट चॉकलेट चिप्स एंड थोड़े से बटर स्कॉच नट्स तो तो यहाँ पे देखो जो ये हमारा बटर स्कॉच केक है ना तो इसके हर एक बाइट में हमें फ्लेवर आना चाहिए तो इसीलिए हमने यहाँ पे बटर स्कॉच नट्स और वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है और बटर स्कॉच केक के साथ व्हाइट चॉकलेट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जो आज का केक है हमारा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि जो शूज़ है वो कैसे बनाने के तो उसका जो मेजरमेंट है तो मतलब जो भी साइज़ का ये रहेगा मैं पूरे डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करूँगी आप वहाँ से देख सकते हो और सिंपल प्रिंट आउट करके आप उसी शेप में उसे कट करके अपना जो भी आपका ये रहेगा शूज़ बनाने का तो आप बना सकते हो वहाँ से तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी एक बार ज़रूर देख लेना उधर तो उसकी टेम्पलेट मिलती है जैसे कि हम स्केच भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर ईज़िली अभी इंटरनेट की वजह से बहुत सारा अवेलेबल है, तो इतनी मेहनत क्यों करना सिंपल वहां से टेम्पलेट डाउनलोड करो और एक प्रिंट आउट निकालो और उसी शेप में उसे कट करो और देन आगे की प्रोसेस तो यहां पर मैं केक की के आइसिंग कर रही हूँ तो साइड में मैंने केक को अच्छे से यहाँ पे क्रीम से कवर कर दिया है अभी आप सोच रहे होंगे ये प्लेट में क्या लिया है मैंने तो जो मेरी क्रश की बॉटल थी वो थोड़ी ख़त्म हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा वाटर डाला उसमें और उस अच्छे से मिक्स किया और वही वाटर से मैं पूरे केक को यहाँ पर सोक कर रही हूँ तो इससे केक के बेस में अच्छे से फ्लेवर भी आ जाएगा और क्रश मतलब वो जितना भी क्रश था उसका पूरा हंड्रेड परसेंट यूज़ भी हो गया तो ये है हमारा घरेलू नुस्खा मतलब जो भी होम बेकर्स हैं ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ करके एकदम टेस्टी केक बनाते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हम ऊपर की लेयर को यहाँ पे पूरे क्रीम से कवर कर देंगे तो आज का केक है मैंने बताया है आपको हाफ के जी का तो उसकी प्राइजिंग कैसी रखने की तो अभी हमारे एरिया में मतलब मैं ज़्यादा कुछ लोगों से प्राइस नहीं लेती हूँ ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि तो उसका रीज़न ये है कि एक, एक तो मुझे है ना यूट्यूब पे डालने के लिए ऑर्डर्स भी चाहिए देन मैं हर एक नए दिन एक अलग से डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ इसके लिए मैंने थोड़ा सा कम पैसे में ही मैं कस्टमर भी खुश और हम भी खुश तो ये जो केक है जो जैसे मैं यहाँ पे बटर स्कॉच केक का 600 पर केजी लेती हूँ तो मैंने सिक्स तो ये डेढ़ किलो का केक था इसलिए और उसके 900 और जो ऊपर की थीम है फोन्डन वाली उसके टू ऐसे मैंने पूरे मिला के इस केक के ग्यारह सौ लिए थे तो आप आपके एरिया के हिसाब से इस केक के चार्जेस ले सकते हो तो यहाँ पर देखो मैं क्रीम से यहाँ पे पूरे केक को अच्छे से कवर करके ले रही हूँ देन अभी ये पूरा केक हम अच्छे से फिनिशिंग करके फ्रिज में रख देंगे देन उसके बाद हम बनाएंगे फोंडन के टॉपर तो यहाँ पे जो ये है केक है हमारा तो एकदम अच्छे से तैयार करो करने वाले हम देन यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने जो ए टी एम है उसकी हेल्प से पूरे केक की अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग कर रही हूँ तो ऐसे वाले जो ऑर्डर्स हैं ना आप लोग ज़रूर लिया कीजिए आपको कुछ अलग सीखने के लिए भी मिलता है और मतलब एक न्यू डिज़ाइन जो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ नया सीखा है तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है मुझे पहले भी एक बार आया था लेकिन मुझे शूज़ बनाने में बहुत सारी दिक्कत हो रही थी लेकिन इस बार मेरे शूज़ अच्छे से बन गए तो उसके जो टिप्स हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मतलब जब भी हम भी फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कत आती है तो सेम मुझे भी लास्ट टाइम वैसे ही हुआ था लेकिन इस टाइम एकदम इजी वे से मैंने बना दिया तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा वाटर यहाँ पे स्प्रिंक किया था और दिन मैं पूरे जो स्क्रैबर की हेल्प से पूरे केक को यहाँ पे अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ मतलब जब भी आपको लगता है कि केक थोड़ा सा फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप जो ये है हमारा स्प्रे उसे एक दो स्प्रे मारने के मारने का और दिन जो भी ये रहेगा आपका स्क्रैबर मेरे पास तो ए है तो अच्छे से उसे कवर करने का तो यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग एकदम अच्छी और स्मूथ आती है तो यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं शूज़ तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ये शूज़ बनाने के लिए जो टेम्पलेट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स आपके साथ शेयर की है मैंने उसे प्रिंट आउट निकाल के उसे कट करके लिया था तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर और पिंक कलर ऐसे दो कलर के शूज़ बनाने वाली हूँ तो उसके पहले मैं मेरे पास जो हमारे ये है किचन में यूज़ करते हैं हम चकला बेंडल उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर करने वाली हूँ तो मैं हाँ यहाँ पर जो हमारा ये है फुट प, पाव उसका मैंने जो मेजरमेंट लिए प्रिंट आउट निकाली थी उसे अच्छे से यहाँ पे कट करके लिया था और जो मेरे पास कटर है उसकी हेल्प से मैं फोटन को अभी कट कर रही हूँ तो अभी ये इसकी जो थिकनेस है ना थोड़ी सी मतलब मोटी रखने की जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं ज्वारी की तो उसकी थिकनेस कैसे थोड़ी सी मोटी रहती है उसी इसमें या पराठे जैसे बनाते हैं उतनी ही उसकी थिकनेस चाहिए हम एकदम पतला करेंगे तो जब हम सबको असेंबल करते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मैंने जितने भी ये है मेरे आपको ये जो शूज़ के लिए जितने भी पार्ट रहेंगे उसे मैं कट करके ले रही हूँ कटर से देन अब उ, हम उसके बाद उसे स्टिक करेंगे तो अभी आप आप बोलेंगे कि इसे स्टिक करने के लिए क्या चाहिए तो मैंने क्या किया था यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया था जो वाइट वाइट वाला है उसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ जो ग्लू है मेरा वही है मैंने कुछ अलग से यहाँ पर यूज़ नहीं किया है तो मैंने यहाँ पर जो पीछे का अच्छे से यहाँ पर यह किया है अभी देखो ये कितने अच्छे से एकदम अपनी साइज वो साइड में उसने अच्छे से यहाँ पे बैठा है मतलब ऐसे नहीं हो रहा है कि नीचे की तरफ झुक रहा है ऐसा कुछ भी नहीं और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पेपर डाला है क्योंकि वो अपनी जो साइज़ है वो अच्छे से होल्ड कर सके तो यहाँ पे देखो शूज़ है दे, देन हम पीछे के यहाँ पे लेबल लगाएंगे पीछे पे मैंने वही सेम तरीके से यहाँ पे स्टिक किया है उसे लग रहा है ना शूज़ की तरह मतलब मैंने कुछ भी जो फोनडन के टूल्स है उसका कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है जो भी हमारे घर पे है उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे शूज़ बनाए हैं तो आप भी इसी वे से यहाँ पे शूज़ बना सकते हो तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ शूज़ को अभी साइड में थोड़ा सा हमें बॉर्डर देनी है और देन उसकी लेस रहती है तो मैंने छोटा सा व्हाइट वाला फोनडन लिया है उसे एकदम छोटे छोटे ऐसे पार्ट में कट करके लिया है और जो भी वाटर है स्टिक जिसका मैंने ग्लू बनाया था उसकी हेल्प से यहाँ पे मैं उसे स्टिक कर रही हूँ तो मैं ऐसे सेम में में यहाँ पे जो मैंने थ्री थ्री डॉट्स दिए थे वहाँ पे मैं पूरी लिस्ट लगाऊँगी शूज़ की देन लास्ट में जो रहता है शूज़ का नीचे वाला पार्ट वहाँ पे एक बॉर्डर दूँगी वाइट कलर की। तो के तो इस इस तरीके से हो जाएगा हमारे शूज़ रेडी तो ये हमारा अभी ब्लू शूज़ बन रहा है देन यहाँ पर नीचे की तरफ हम क्या करेंगे जो मैंने फोनन टाइप वाइट वाला फोनडन तो उसकी हेल्प से पूरे एक स्टिक बनाएंगे एंड देन उसे यहाँ पे यहाँ पे चिपका देंगे तो यहाँ पे ना आपको एक ध्यान रखना है जो भी फोन है तो वो एकदम स्मूथ होना चाहिए ऐसे ऐसे कड़क नहीं होना चाहिए तो उसके लिए आपको उसे अच्छे से ये मसलने का जैसे हम आटा गूंधते हैं ना उसी तरह से और उसे स्मूथ जो भी हार्ड फोंडेंट है उसे स्मूथ बनाने का तो उससे आपको वर्क करने में भी थोड़ी सी आसानी से हो जाता है और यहाँ पे कहाँ पे भी वो क्रैक भी नहीं होता है तो यहाँ पे देखो बन गया हमारा शूज़ रेडी तो यहाँ पे मैंने मतलब कितने सिंपल वे से यहाँ पे आपके साथ शूज़ बनाने का तरीका शेयर किया है अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताओ तो यहाँ पे मैं अभी पिंक कलर का फोंडेंट बना रही हूँ तो मैंने व्हाइट वाले फोंडेंट में जो जेल कलर है पिंक वाला वो डाला है और जो जिस तरीके से मैं उसे मिक्स कर रही हूँ सेम उसी तरीके से मिक्स करो और यहाँ पे बन गया हमारा पिंक वाला फोंडेंट रेडी देन मैं उसे अच्छे से यहाँ पे यहाँ पे बेलूँगी देन सेम जो भी कटर है हमारे जो मैंने बनाए थे तो उसके हेल्प से पूरे उसे अच्छे से कट करूँगी तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन गया है वो फर्स्ट वाला देन इसे सेकेंड थर्ड जो भी पार्ट है शूज़ के वो हम बनाएंगे और तब तक मैंने उसे साइड में रखा है देन अभी नेक्स्ट वाला जो शूज़ का ऊपर वा आगे वाला पार्ट है वो हम बनाएंगे देन स्ट्रिप जो पीछे वाली रहती है तो ये जो है तरीका मतलब बहुत सारे डिज़ाइन के शूज़ बना सकते हैं हम तो एकदम ये जो है ना ये तरीका एकदम सिंपल है आसानी से हम बना सकते हैं और हमें बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे क्योंकि इसके जो ये है और आपको बोला है मैंने जो साचा है जैसे कि जो पेपर के मैंने कट करके लिया है और उसकी हेल्प से हम बना रहे हैं उसकी जो टेम्पलेट है मैंने वो भी आपके साथ शेयर की है तो आप एकदम आसानी से ये वाली ट्रिक अपना सकते हो और घर पर ही एकदम हम अच्छे से यहाँ पे शूज़ बना सकते हो और उसके लिए आपको कुछ कौन से भी यहाँ पे जो टूल्स है उसकी ज़रूरत नहीं मिलेगी तो दे अभी मैं जो पहले वाला हिस्सा था उसमें थोड़ा सा कम पड़ा था इसलिए मैंने जो ए वाला पार्ट है जो शूज़ का पीछे वाला पार्ट तो उसे मैं अभी कट करूँगी देन हम उसे एक साथ मर्च करेंगे तो यहाँ पे ये यह जो स्टेप्स हैं फुंडन के साथ जब भी हम वर्क करते हैं तो उसके मतलब तो वहाँ पर मतलब हमारे चिपचिपा नहीं होना चाहिए वो तो मतलब थोड़ा सा भी उसे ऐसे लग रहा है कि हमें पानी निकल आ रहा है तो हम उसी टाइम पे कॉर्न फ्लोर का यूज़ करने का अभी इसके लिए तो एक मार्केट में अलग सी पाउडर आती है लेकिन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप कॉर्न कॉर्नफ्लावर से भी उसे अच्छे से यहाँ पर वर्क कर सकते हैं हम फोनडन के साथ तो यहाँ पर मैं शूज़ को लगाने के लिए नीचे एक स्ट्रिप बना कर ले रही हूँ देन उसके बाद हम करेंगे शूज़ की जो लेस है उसके लिए भी एक लेस बनाएंगे देन अब हम करेंगे पूरा फोनडन का यहाँ पे जो भी हमने ये पार्ट बनाए हैं उसे असेंबल्स तो यहाँ पे देखो तो तो इस वे से हम यहाँ पे न्यू न्यू डिज़ाइंस भी सीख सकते हैं मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें भी बोल सकते हैं कि जो बेबी शॉवर वाले जो भी केक है वो भी आप उसके ऑर्डर्स ले सकते हैं और मतलब एकदम आसानी से ज़्यादा कुछ मतलब बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ेगा जो भी घर पे टूल्स है उससे हम अलग अलग ऐसे टॉपर्स बना सकते हैं तो मैं आपके साथ ऐसे ही न्यू न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी देन यहाँ पे देखो आपने पूरे जो शूज़ हैं उसे अच्छे से यहाँ पे स्टिक किया है अभी जो हो ये है हाउस वाइफ तो वो भी मतलब क्या करेंगे ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के केक जो घर पे जब भी बनाएंगे तो उनके कस्टमर भी मतलब उन्हें भी अच्छा लगेगा कि चलो आज हमें कुछ अलग से सीखने के लिए मिला है और जो उनके कस्टमर भी हैप्पी हो जाएंगे और हमें ऐसे वाली जो थीम केक रहते हैं उसकी तो प्राइस भी थोड़ी सी अच्छे मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर केक थोड़ी सी हाँ यहाँ पर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हमें ख़ुद को भी सीखने के लिए भी मिलता है तो ये ऐसे केक आप ज़रूर ऑर्डर में लीजिए और यहाँ पे इसी से इसी तरीके से यहाँ पे जो शूज़ हैं वो अलग अलग चीज़ें आप बना सकते हैं तो यहाँ पे हमारा हो गया है पिंक कलर का शूज़ रेडी देन अब हम, हम इसे लगाएंगे लेस तो यहाँ पे मैंने जो वाइट वाला फोनट है उसे यहाँ पे लेस के शेप में थोड़ा मतलब तो थो एक किया था और देन उसे मैं यहाँ पे अभी चिपका रही हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा स्टिक लगाया देन उसकी उसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली लेस यहाँ पे कर दी लगा दी देन हम लगाएंगे सेकेंड वाली लेस से इसी सेम तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ में थोड़ा सा ग्लू लगाया और मैं क्या करूँगी वाइट वाली जो स्ट्रिप है हमने बना के रखी थी वो पूरे जो हमारा शूज़ है पिंक कलर का उसके उसे अच्छे से यहाँ से स्टिक कर देंगे तो यहाँ पे हो गए हमारे शूज़ वाले टॉपर रेडी आपको कैसे लगे फ्रेंड्स आप, आपको पसंद आ रहे हैं या आपको कुछ अलग और न्यू वाला सीखने के लिए मिल रहा है तो जरूर मेरे आप मुझे कमेंट्स में बताओ और यहाँ पे अब हम आगे करने वाले हैं जो ये है और नेम है जैसे कि हम डालते हैं हैप्पी बर्थडे वाला या बेबी वाला तो ये जो कटर है ए बी सी डी वाले तो मैंने उसकी हेल्प से यहाँ पे पूरा वहाँ पे कट करके लिया था तो ये जो वाले कटर है ना वो मार्केट में मिलते हैं केक की के शॉप पे तो ये मल ये मैं मुझे थ्री फिफ्टी में थ्री फिफ्टी रुपीज़ में मिले थे तो आपके एरिया के हिसाब से आपको ये मिल सकते हैं और उससे क्या होता है जो जो भी हम केक पर नाम डालने वाले हैं एकदम थोड़ा सा ईजी वे से होता है ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और एकदम अच्छा और एकदम सुंदर शेप में वहाँ पे वो कट होते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे वैसे जो जो मुझे नाम चाहिए थे लेटर्स चाहिए थे मैंने कट करके लिए थे अब मेरे पास ये स्टार वाला कटर तो मैं उसकी हेल्प से यहाँ पे जो भी केक के ऊपर मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ स्टार वाली तो वो वहाँ पे ऐसे निकालू तो ये वो भी कटर है ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो ये कैसे मिलते हैं तो ये मैंने हंड्रेड रुपीज़ के चार मिले थे और अलग अलग शेप में हैं वो एक बड़ा मीडियम उससे छोटा और सबसे छोटा तो यहाँ पे मैं अलग अलग यहाँ पे जो भी मुझे चाहिए मतलब छोटा मोटा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मैं स्टार्स से जो वो पूरा यहाँ पे कट करके ले रही हूँ देन जो ये पूरी सारी चीज़ें हैं ना हम उसका यूज़ करने वाले हैं केक के डेकोरेशन में तो यहाँ पे अभी आप देखो कि मतलब हमें ना घर पे ही बहुत आसानी से अलग अलग ऑर्डर्स ले सकते हैं न्यू न्यू फ्लेवर की केक बना सकते हैं तो आप इस तरीके से कुछ अलग कस्टमर को देंगे तो कस्टमर ज़रूर खुश हो जाएगा तो यहाँ पे मैं मेरे पास ये है अभी जो ही एंड शी के लिए जो टॉपर बनाना है तो वो भी मतलब पेपर का क्यों लाए मार्केट से उसे लाने में पैसे भी लगते हैं तो मेरे पास पहले से ही फ़ोन बनता इसलिए मैंने जो ये है कुकीज़ कटर तो मैंने स्टार वाला कुकीज़ कटर लिया था उससे मैंने दो यहाँ पे बनाए कट करके लिए हैं और ये ऊपर की तरफ में जो बेबी नाम डालने वाली थी तो उसके लिए यहाँ पे मैंने मैंने फोर इसमें जो ये रहती है वो छोटे छोटे बॉल्स बनाए वाइट फोन के और उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूं रेक्टेंगुलर शेप में और उसके ऊपर जो हमने पहले ये किया है और अल्फाबेट्स कट कर करके लिए हैं वो हम वैसे लगाएंगे मतलब मतलब आगे रखने में एकदम सुंदर दिखेगा वो तो यहाँ पे ये व्हाइट वाला फोन है और उसे मैंने सेम एक ही जैसे यहाँ पे फोर इसमें यहाँ पे बनाया है तो जो अभी हम ही वाला कैसे टॉपर बनाएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे एक टूथपिक ली है देन जो हमने स्टार वाला ये बनाया कट करके रखा था उसे मैंने थोड़ा सा वाटर लगाया जो सेकंड वाला है उसके रूप ऊपर रखा और अच्छे से उसे प्रेस किया तो ये बन गया हमारा स्टार वाला ट्रॉप कर रेडी और उसे ना कभी भी फ्रिज में नहीं रखने का ऊपर ही रखने का उससे वो थोड़ा सा अच्छे से सेट होता है अब हम उसके ऊपर लगाएंगे एच मतलब ही ही वाला यहाँ पे ये तो उससे पीछे मैंने थोड़ा सा वाटर लगाया और उसके ऊपर ये वाला अल्फ़ाबेट तो ये ये बन गया हमारा ही वाला टॉपर रेडी देन सेम इस सेम तरीके से हम शिवलापी बनाएंगे यहाँ पे हमने जो आइसिंग करके केक रखा है वो लिया है एक तरफ हमने पिंक वाला शूज़ रखा तो एक तरफ हमने ब्लू वाला और हम जो जितने भी हमने टॉपर्स बना है वो पूरा हम एक साइड में यहाँ पे मैं अभी लगाऊंगी इसी तरीके से पूरे केक में यहाँ पे हाफ साइड में पूरा पिंक वाले जो स्टार्स है वो पूरा मैं यहाँ पर लगा रही हूँ देन नेक्स्ट साइड में हम करेंगे जो ब्लू वाले टॉपर से वो लगाएंगे अभी मैंने कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी यहाँ पे ये करके रखे थे बना के रखे थे आपके साथ मैंने शेयर किया है वो पहले हम प्लेस करेंगे दिन आगे वाला डेकोरेशन करेंगे बीच में हमें और चाहिए देन यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला लिखेंगे एच तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है देखो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये ना सेम यहाँ पे न जो ये कटर्स है उससे ये इतना सुंदर ये अल्फ़ाबेट्स बना सकते हो और सेकेंड वे रहता है आप चॉकलेट से भी बना सकते हो तो दूसरी तरफ में सेकंड वाला जो नाम है जो मुझे कस्टमर ने बोला था कि उन्हें केक पे ये चाहिए तो मैंने ये पूरे जो लेटर्स हैं यहाँ पे कट करके लिए थे और इसी वेज से हम अब मैं उसे यहाँ पे, पे प्लेस करने वाली हूँ देन जो रिमेनिंग जगह है वहाँ पे मैं ये करूँगी स्टार्स लगाऊँगी अब नीचे की तरफ मैंने जो आपको बताया है मैंने वाइट वाले फोन लिए थे चार जो क्यूब में मैंने बना के रखे थे उसके ऊपर मैंने बेबी नाम डाला है तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है वो अभी पिंक वाले जो ये किया है हमने तो उसे हम साइड से पूरे अच्छे से यहाँ पर कवर कर लेंगे स्टार से अगर आपको ये जो मेरा डेकोरेशनिंग करने का तरीका और जो मे भी आपके साथ जो भी डिज़ाइन शेयर कर रही है वो आपको पसंद आया है तो ज़रूर मुझे आप बताओ और ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइंस में आपके साथ जरूर शेयर करूँगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए देन आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए तो देन सेकेंड वे में अभी हम यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे ये करने वाले एक साइड में पिंक और सेकेंड वे में हम ब्लू वाला पूरा डेकोरेशन करेंगे और सेम इसी तरीके से ये हो रहा है हमारा आज का केक रेडी तो देखो पूरे मतलब धीरे धीरे पूरे साइड में अच्छे से यहाँ पे जो स्टार से पूरा उसे कवर करो देन अभी तो ये सिंपल तरीके से हमने ये जो आज का केक किया है आपको कैसे है फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताओ और मैं सेम ऐसे ही कुछ न्यू डिज़ाइन्स में आपके साथ लाऊंगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स